जो ऊपर का ही जो हिस्सा है, जो ऊपर का लेयर है वो हाइट ज्यादा रहेगा ना, तो ज्यादा ही मतलब आपको देखने के बाद इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है, तो आपको बहुत अमेजिंग मजा आने वाला है। तो एक्चुअली ये केक रेडी है, रेडी हो गया है, तो मैं सोचा कि चलो हमारे जितने भी होम मेकर फैमिली है मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ, उनको थोड़ा समझा देता हूँ। और ये क्या है, क्या है तो इसमें आपको यही करना है। और दूसरी बात क्या है, जो आपको कभी भी जैसे स्टेप केक बनाने में डर लग रहा है तो आप डरिए मत, तो क्या करना है आपको, सीधा एक मिलती है अपने बलून में यूज होता है एक स्ट्रॉ, बड़ी बड़ी स्टिक होती है प्लास्टिक की, वो स्टिक आपको मतलब अंदर डालना है। अगर वो नहीं मिलेगा तो एक व्हाइट कलर की स्टिक मिलती है, उससे थोड़ी जारी होती है वो भी, उससे क्या मतलब, उससे मतलब क्या होता है फायदा, वो फायदे का मैं रिकॉर्डिंग बताना चाहता हूँ। फायदा ये है कि जो आप स्टिक डालते हैं वो जो केक है ना, जब डिलीवर होता है जो कस्टमर आपका जो लेके जाता है ना केक, तो वो क्या होता है कि आपका टेढ़ा नहीं होता है, तो उससे फायदा क्या है, तो कस्टमर जो केक टेढ़ा नहीं होगा, उसका केक अगर टेढ़ा हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसका मूड ऑफ हो जाता है, उसका मूड खराब हो जाता है, तो क्या सोचता है कि यार उससे हमने केक लिया तो उन्होंने केक इस टाइप से लिया है क्या, मतलब केक खराब हो गया। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि जो केक खराब ना हो, आपको यही सोचना है, सबसे पहले सोच यह है कि केक खराब नहीं होना चाहिए। तो केक खराब नहीं होना चाहिए, और केक क्या करने से खराब नहीं होता है ये तो आप याद रखें। ऐसा आप नीचे का एक स्टेप बनाए, फिर सेकंड स्टेप बनाए, उसके ऊपर रख के आप करके उसके बाद लास्ट में स्टिक डाल के, स्टिक डालने के बाद वो आप साइड में देखो यहाँ पे कितना सारा अच्छा फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर ऐसे डाल के बना सकते हो। और लेकिन ये चीज़ है ना, जो डॉट है ना, डॉट ये डॉट डॉट दिख रहे हैं ना आपको चारों साइड, ये एक्चुअली शुगर बॉल नहीं है। अगर आपके शुगर बॉल का कॉस्ट नहीं है तो आप मत डालिए, ये आपका क्रीम लिक्विड करके आप वो यूज कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे किस टाइप से केक बना हुआ, और ये 4 किलो का ही केक है। आप सोचिए 4 किलो का केक और इतना अमेजिंग केक है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा ये केक कितना अमेजिंग केक है। ये केक कैसा है कि कोई भी अगर ये केक को देखता है, देखने के बाद उसको तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये केक एक्चुअली वेडिंग केक है, लेकिन इसी टाइप से अगर आप भी वेडिंग केक बनाते हो तो ऑफकोर्स आपके जो गेस्ट हैं उनको डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं आई होप कि मैं भी यही सोचता हूँ कि आप ये ऐसा ही बनाओ और इसी टाइप से फ्लावर डाल के इसी टाइप से एकदम अमेजिंग केक बनाओ, जैसे कि सामने वाले को मज़ा आ जाए और आपका मतलब बिजनेस बढ़े। ये जो केक का बिजनेस है, कि छोटा मोटा बिजनेस और घर बैठे बहुत ही सुपर बिजनेस है, जैसे बहुत सारे हमारे होम बेकर लेडी है उनके लिए तो ये अमेजिंग है, क्योंकि घर बैठे अगर बहुत सारे आप सोचो कि केक बेचते हो और आपके जितने भी, और आज के डेट में होम बेकर का केक काफ़ी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये एक मतलब काफ़ी हाइजीनिक फूल होता है और बहुत ही अच्छे से बनाया जाता है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है, इसके लिए ये केक काफ़ी पसंद होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो अपना बॉल है ये देख लीजिए किस टाइप से, ये शुगर बॉल नहीं है, तो इसी टाइप से आपको भी यूज़ करना है। अब मैं नीचे का दिखाता हूँ, ये देखिए नीचे का लिया, तो आपको जो हाइट देना है ना सेम ऐसे ही हाइट देना है। और यहाँ पे देखिए ये स्टार नोजल से बना हुआ है, स्टार नोजल से बना हुआ है, ये स्टार नोजल से आप फ्लावर जो बोलते ना स्टार फ्लावर वो है, नीचे के एक लेयर में इस टाइप से बनेगा, दूसरा लेयर आपको अलग टाइप से बनाना पड़ेगा। तो इसी टाइप से आपको बनाना है, बना के रहिए, और अगर कोई भी हेल्प लगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझे मेरे नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। और मतलब केक की रिकॉर्डिंग और बहुत सारा मतलब ऐसा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों का गाइड करता हूँ, वो आप कोई भी गाइड ले सकते हो। और अभी बीच में मैंने एक वीडियो डाला था वफल्स का, बबल वफल्स का, अगर बबल वफल्स का भी किसी को ना हेल्प लगेगा ना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, और इसी टाइप से केक बनाते रहो। ओके दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद दोस्तों।